आने वाले समय में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है, पुनः कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम जो समाजवादी सरकार में शुरू गई थी पुनः शुरू होगी। वो तो कंप्लीट है, आपकी तरफ से कंप्लीट है, इस सरकार ने लागू नहीं होने दिया उसको, खाली उसका नाम भी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया था और उसको भी नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा। बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हो इतनी बड़ी योजना के सामने। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला ये। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। वो अभी पूरा हमारा घोषणा पत्र आने दो, आज कुछ मुख्य बिंदु आपके बीच में रखी हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं कर्मचारियों को लेकर के या अन्य विभागों को लेकर के वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हमारे लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा कथनी और करनी में।